कहाँ जा रहे हो आप? मैं अपनी बर्थडे की चीजें लेने जा रही हूँ, तुम्हें कोई मसला? बर्थडे की चीजें लेने जा रही? हाँ। अच्छा तो आज ही लेना है आपने? हाँ आज ही लेना है। कौन सा ना, परसों लेना है जब मेरी बर्थडे है। अच्छा जी, बदतमीज़ है ये तो। इसको किसी की तमीज़ नहीं आ गया, जितनी है बड़ी को बदतमीज़ है। बहन होती है को भाइयों की इज्जत करती है थोड़ी सी। भाइयों की इज्जत कर देगा, उनकी बात मानती है, लेकिन नहीं, इसको बस एक ही काम है, बस इसको एक ही काम है, बदतमीज़ी का, और इसे कोई काम नहीं है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने मनी मालदीन के मॉल में। यहाँ एक ही दो ही मॉल है, एक कदर मॉल है और एक हॉकी मॉल है। तो हम हॉकी मॉल में जाते जाते हैं, उधर ही हम हर एक चीज़ लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं। ये देखिए मेरी बाइक भी खड़ी हुई है, अभी मैंने साफ भी की थी। पहले हमारा प्रोग्राम था सुबह जाने का, 1-2 बजे जाने का। फिर मामा ने कहा कि ठंड बड़ी है, तो अभी थोड़ा मौसम सही है शाम के टाइम। ये देखिए अभी इतनी ठंड को नहीं है जितनी हम अभी जा रहे हैं। ये देखिए एक बाइक मेरी ये खड़ी हुई है, इसका कोई हर्ज नहीं है, खड़े खड़े ये ख़राब हो रही है, इसलिए तो मैंने न्यू ली है। ये देखिए इसको मैंने साफ भी किया अच्छी तरह से, देखा कितनी अच्छी लग रही है। टायर वायर की साफ़ किए। फिर हमारी हमारी जो गली है ना वो फुल कच्ची है। तो इसकी वजह से अगर हम टायर को साफ करें ना तो वो गंदी फायदा नहीं है। फिर इसलिए अभी चाबी अंदर ही लगी हुई, अब मामा से जाकर उनकी राय लेते हैं कि अब आज हमने क्या क्या लेना है। तो आपका क्या है इरादा? मेरा इरादा है सोनी घर ही चल गए, क्यों क्या सर नमाज हो रही है मगरिब की? मगरिब की? हाँ। ओए अल्लाह इब्राहिम नहीं सच में ऐसे होना किस टाइम है? 5:30 तो हो गए। अब ग्लव्स पा 5:30 तो हो गए। वो पे नहीं है 5:30। अच्छा मैं ग्लव्स पहनी। हाँ जी मेरे प्यारे बहनों ते भरावों आज से जा रहे हैं सर्दी ना ठरन ते मरन, अल्लाह करे सानू जड़ा ना खैरियत ना ला जाएगी, क्योंकि सर्दी इतनी क्या क्या वेखो हीटर अगर जान तो दिल नहीं करता। अब जो दिन सर्दियाँ आईया ने असी जड़े हाँ उदन दे ना अंदर फड़े हुए हैं, तो हूँ अगर अज ना असं गए तो सुबह सन चीनी पत्ती प्याज हर चीज़ किसी को मंगनी पैनी है। तो मैं ये आख्या कि चराफर नाल टोरी जाइए कि बेजती ना हो, इस वजह तो असं हूँ जा रहे हैं बाजार। पता है हम वेखो असं वापसी पर किस हालत चाहते हैं। अभी क्या क्या लेने जा रहे हैं? मैं लेना है और दुपट्टे वेखो कराने 3-4 सूट नवे सिलवाए उन्होंने चादर ने, ये नहीं वो उत्थे पईयां ने चल छड़ दियां ना, वो पीको करवानियां ने एक दूजे वास्ते सेल लगी उत्थे जाना है। ते मेरी प्यारी बेटी दी बर्थडे आएगी, मेरी चूनो चूनो दी बचको बचको है एडी बर्थडे परसों, तेरे वास्ते चीजां लेके आणगा। मैं क्या फिर मेरी तबीयत भी खराब रहिंदी गे, ते सर्दी भी बड़ी हुंदी गे, ते दिल भी नहीं करदा निकलण ते। इस वजह तो अज लिया मैं कल लेने, वरना मैनू आह के मार छड़ने। मम्मा चलो चले, मम्मा चलो चले, तो फिर ना जाने होगा। अच्छा अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अब एक ही तो दिन रह गया, वो भी अब दिन ऐसे गुजरते हैं जैसे कोई पाउंड वाली दुकान में सेल लगती है। तो अब इसकी बर्थडे हमने घर में करनी है या हमें ट्यूशन में करनी है? अभी अभी डिसाइड नहीं किया कि घर में करते हैं या ट्यूशन में करते हैं। लेकिन अगर हम ट्यूशन में करें तो हमारा खर्चा भी बच जाएगा और इसको भी मजा आएगा, इसकी भी थोड़ी फन एंटरटेनमेंट हो जाएगी। और ट्यूशन में चले अब मैम से तो मैंने इसको बोला कि मैं चिकन वाले राइस बना लूंगी और केक मंगवा लेंगी। हां ले लो वही लेके, टीचरों ने इतना मजा करना, हमने बोलना कि इतना अच्छा लगा हमें ये चीज। क्यों वो कैप्स तो ले ले, तो दोनों चीजें बना लेना ना। तो मेरी बात सुनो, 1 pound का केक ले लेंगे, बिरयानी ले लेंगे 1 pound, और बिरयानी आप बना लेना और साथ में जो है बाकी चीजें ले लेंगे, कैप्स वगैरह इस तरह की चीजें। मामा जी बस आप ऐसा करो ना, 2 pound का केक ले लो, क्योंकि इतने तो बंदे नहीं है। अपनी जुबान मत, छोटे बच्चे जो है ना 20 ही होंगे या 15 होंगे मसा मार के। और मैम मैम जो सारी होंगी 2 pound का केक सारे को आ जाएगा। अगर और कुछ चीज पड़ी तो हम ना 80-80 रुपए वाले 3 days ले लेंगे बस। फिर हमारा इतने 80-80 रुपए वाले मां पूरे होते हैं हो, मामा हो जाएंगे आधे लोगों तो एक एक हम उनको स्लाइस केक का दे देंगे। अच्छा अब इसकी मर्जी से करनी, जैसे मेरे अब्बू ने बोला। अब ट्यूशन में करना है, हमने जुबान बंद करना है, अभी करूंगी। बदतमीजी ना करो, गए तमीजी नहीं आजकल के बच्चों को। मैं भी आजकल ही हूँ लेकिन मुझे इतनी तमीज है ना, अब्रश को तो तमीज ही नहीं है बिल्कुल।
या पीछे से मुझे मारने आएगी, मुझे पता है। मामा तो प्राइसेस देख के उनका बीपी हाई हो रहा है। ये कितने का? 4,009 के तीन सूट अभी मेरे ले लिए मामा ने, अभी ये तीन लिए, एक ये, एक ये और एक ये। मेरी अब्रिश की जैसे बर्थडे या शॉपिंग हम लोग अपनी कर रहे हैं। ये जाकर मैं डालती हूँ ना, ये जो सेल लगी हुई अलकरम में मंडी बाउदीन में, तो आए यूनिट आई है, बड़ी अच्छी वैरायटी इनके पास। नहीं नहीं चार यूनिट आए और शॉपिंग करें यहाँ पे। शॉपिंग किसकी करने आ रहा हूँ, ले किसके लिए? ये रियल करम वालों के सेल लगी हुई है, बहुत अच्छी प्राइस है इनके पास और वैरायटी भी बड़ी अच्छी है। अपने मारी ना मारी वो क्या मुझे बता दो यार, ये क्या है? चाबी ये उतार दूंगी। अब इधर ना आई बस, कोई आ नहीं। प्रिय मुझे वो वाला जूस लेना, दो ऑरेंज वाला, वो जो हम हर वक्त पीते हैं गैस, ये वाला मामा, ये वाला गैस। और मामा बहुत मेहरबान हुई है, तो क्योंकि आपको पता है मामा ने अब्रिश को बोला है कि सेइंग यस फॉर 10 मिनट्स, तो अभी अब्रिश आपके 2 मिनट्स रह गया, 8 मिनट्स हो गए। तो गैस ये हम लोग लेके आए हैं बर्थडे का सामान, ये है शुरलिंगा वगैरह, इधर करो, और ये है कैप, और बलून दिखाओ। ये 25 बलून है क्योंकि इसके अंदर 5-5 हैं और 10, 15, 20, 25 ये बलून है, और क्या है? और ये मेरा गिफ्ट है, ये सबसे अच्छा मुझे गिफ्ट लगा, ये इसका लॉलीपॉप है, ये इसके अंदर इतनी प्यारी छोटी छोटी इसमें ज्यादा से लॉलीपॉप है। हाँ। तो और मेरी बात सुनो, ये एक आपका ट्यूजर है ना मम्मा, ये आपका ट्यूजर है, ये इतने प्यारे नेल्स है ना, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखें, इसके साथ ग्लू वैसे ही लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। नेल्स ने बच्चन पंजाबी बहुत कम होंगी है, तो इस वजह तो फिर मेरे नाल उर्दू बोलना शुरू कर दें, वैसे साडा ब्लॉग तो पंजाबी च आया करेगा, तो ऐ वे ए की ने हो रहे नेल्स ने, नेल्स ऐसे ही दिखा दो ना फुल पैकेट ही, ये जी नेल्स है, और क्या है जो चैपस्टिक ली है वो कितने? और गाइस ये इसका था कुछ, और ये चिपस्टिक, ये दो चिपस्टिक ली है इसने, ये वाली अभी मैंने लगाई हुई, आप देख सकते हैं इसका बहुत प्यारा कलर, और कंसीलर दिखाओ, कंसीलर भी दिखाती हूँ एक मिनट, और ये है एक और लिप बॉम, ये बहुत अच्छा है, इसे अगर जब लगाएंगे ना हम, तो इसका जो है ना कलर बहुत प्यारा लगेगा, आधे घंटे बाद जब आप देखेंगे तो इसका कलर बहुत प्यारा पिंकिश सा हो जाएगा, अभी ये पर्पल है। ये देखे जी रफन आ रहा है, पागल पठान बजाए के सही करे, ये क्या तो इसने खराब करना है, क्या है ये कचरे वाली बास्केट है, और क्या नहीं इसके अंदर, वो क्या, वो क्या है, सीमेंट का कुछ बना हुआ था, वो योगर्ट वाला भी चमई निकाल के फेंको, और जो माल्टी खाए वो भी इसमें डालो, और ये हम लोग देख रहे हैं मूवी। एंड गाइस ये आज एक कंसीलर ग्लाइंग फेस का, इसका बहुत अच्छा शेड है, मम्मा ने आपको दिखाया है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, नंबर 3 इसका शेड है, हम गए थे खद्दर मॉल तो उधर से हम लाए। ओके जी गाइस दुआ में सन याद रखियो, अल्लाह हाफिज़। लास्ट चीज हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद की लैग, लास्ट चीज ये ड्राइंग बुक है, ऐ जी ड्राइंग बुक है दी, दिखा ड्राइंग बुक जरा,
अच्छा करी। इन मुश्किल नहीं लगती, हल्की हल्की लगी, बॉल शॉल पेंसिल हो जाए और जल्दी ना हो जाए।